हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आज मैं होम रेमेडी लाई हूँ वो है हेयर के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हो, फ्रीजी हो रहे हो, बहुत ज्यादा रफ और दो मुहे हो रहे हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप इस रेमेडी का यूज करते हैं तो आपको 2 से 3 बार यूज करने में ही इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है और इसका कैसे यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथी दाना हमारी हेयर के लिए और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मेथी दाने का पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसको पानी में भिगोकर रात भर के लिए रखना है। हम इसको लेंगे और हमको अपने हेयर की लेंथ के हिसाब से ही मेथी दाना लेना है और हम इसको भिगोकर रात भर रख देंगे। फिर हम नेक्स्ट डे इसको हम ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको हमने अच्छे से पीस लिया है और हम इसमें पानी मिलाकर अच्छे से बॉईल करेंगे। इसमें हम पानी डालकर इसको पतला करेंगे और फिर धीरे धीरे इसको थिक करेंगे, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि हमें स्लो फ्लेम पर ही इसको होने देना है। अब हम इसमें 1 पिंच टर्मरिक डालेंगे, क्योंकि ये टर्मरिक एंटी बैक्टीरियल होता है तो ये अच्छा है। मेथी दाने में बहुत सारे गुण होते हैं, ये बॉलनेस से बचाता है। इसमें पोटेशियम होता है जो अर्ली ग्रेइंग को रोकता है और इसमें निकोटाइन एसिड होता है जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये हेयर फॉलिकल को एनर्जी देता है और उसे मजबूत बनाता है। इसमें हमने 1 विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया है और अगर आपको ये पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक लगता है तो आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हैं और ये हेयर फॉल को रोकता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर ड्राई स्किन है या ईचिंग होती है तो जो मेथी दाने का पैक बना रहे हैं वहाँ ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। हम अच्छे से बालों को डिवाइड कर लेंगे, सेक्शन निकाल लेंगे हम। फिर हम छोटा छोटा सेक्शन निकालने के बाद बालों पे अप्लाई करेंगे, जिससे कि वो अच्छे से लग जाएगा पूरे बालों में। अगर हम इस टाइप से लगाते हैं तो हमें लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम छोटे छोटे बालों को लें, छोटा छोटा पार्ट लें और उसमें अप्लाई करें। दाने का जो पेस्ट हमने बनाया है उसे लगाने से हेयर फॉल की प्रॉब्लम, वाइट हेयर और जो डेंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उससे छुटकारा मिलता है। मेथी के छोटे से दाने में विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन सी और फॉलिक एसिड जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। मेथी में वो तत्व होते हैं जो बालों को अच्छी ग्रोथ देता है और जो डैमेज हेयर है उनको ठीक करता है। इसका यूज़ आप वीक में 1 बार करें या 15 दिन में या महीने में 1 बार करें, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है तो वीक में ज़रूर 1 बार यूज़ करें और अगर आप 2 बार यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो ड्राई स्कैल्प होता है यानी इचिंग स्कैल्प होता है ये उसको भी ठीक करता है। जो डैंड्रफ हो जाता है उसको हटाता है। अगर बाल डैमेज हो गए हैं तो उसको रिपेयर करता है नेचुरली और ये कंडीशनर की तरह काम करता है। बालों में एक शाइन देता है और बालों को डिटेंगल करता है, मतलब कि ना ज़्यादा बाल उलझेंगे और क्योंकि ये कंडीशनर की तरह काम कर रहा है। किसी के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं और उनको उतने कर्ली बाल हेयर चाहिए नहीं होते हैं, तो ये मेथी का दाने का जो पेस्ट लगाने से तो उनके जो कर्ल्स होते हैं वो खुलते हैं। आपको एंड में इसको अच्छे से अप्लाई करना, क्योंकि एंड के बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं और दो मुहे बाल की प्रॉब्लम भी होती है। तो इसको अच्छे से अप्लाई करें और 30 मिनट्स तक इसको लगा कर रखें। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें, गर्म पानी से वॉश नहीं करना है। और इसके बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ज़्यादा बाउंसी लगेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।